अच्छा ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किसके खिलाफ आप कर रहे हैं? अच्छा मिस मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आई हैं, क्यों आई हैं? हाँ इनके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, फीमेल जजेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं या फीमेल जजेस के खिलाफ जुबान जिन्होंने इस्तेमाल की उनके खिलाफ कर रहे हैं? जिन्होंने जुबान इस्तेमाल की है उनके लिए एहतजाज। क्या जुबान इस्तेमाल की है? नाजेबा अल्फाज किसने की है? हमें भी किसी ने बताया, हम आ गए एहतजाज। नहीं नाजेबा अल्फाज क्या इस्तेमाल हुए हैं, किसने किए हैं, मकसद कोई मत नहीं? जी जी गालियाँ किसने की है भैया? मैं ये तो नहीं बता सकता किसने दिया, मीडिया भी चल रहा था ना, खबर चल रहा था मीडिया, उसके लिए इल्तिजाज करने आई है। मैडम किसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए, किसने किए? सुप्रीम कोर्ट की जज जो है नाजेबा, उसके खिलाफ बोले गए हैं। वो भी एक औरत है, हम भी औरतें हैं, इसलिए हम उनकी उनके साथ मिल के। तो मैडम किसने उनके लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं? जेबा कह रही हैं जो जज साहब हैं उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं है, और दूसरा जो आप ये आपने प्ले कार्ड्स हाथ में पकड़े हुए हैं या ये पोस्टर्स जो हाथ में पकड़े हुए हैं इस पे आप लोगों ने लिखा है कि उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो किसने अल्फाज नाजेबा इस्तेमाल किए हैं और क्या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगी आप? हमें तो नहीं, हमें तो इतना ही बताया गया। किसने बताया आपको? किसने बताया है? जो हमारे साथ आए हैं। कौन आया साथ आपके? किसके कहने पे आप यहाँ पर आए और प्रिटेंड करें? भाई ये वारिस, इसका नाम भाई वारिस है। नहीं तो ये आपकी जो सात खवातीन बाकी दीगर खवातीन हैं, आपका ताल्लुक किस शोबे से है? जी हम, मैं सोशल वर्कर। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप? मैं तो डिप्लोमेटिक में काम कर रही हूं। अच्छा डिप्लोमेटिक में। बाकी जो दीगर खवातीन है उनका ताल्लुक किस शोबे से है? मुख्तलिफ वर्कर्स वर्कर्स मूवमेंट है, कोई घरों में काम करती हैं, कोई दफ्तरों में काम करती हैं, कोई स्कूल्स में काम करती हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया उनके बारे में आप? मैं उनके यही बोलूँगी कि औरतों की इज्जत करना सीखें, क्योंकि हर औरत की इज्जत होती है, उनकी भी माएँ बहनें हैं, औरतों की इज्जत करेंगे तो उनको समझ आएगा कि औरतों की क्या कदर करते हैं। हम उनके हक के लिए खड़े हैं, कि वो भी एक औरत है तो उनके लिए ये नाजेबा अल्फाज बोले गए हैं, तो हर एक औरत को इस चीज़ में एक बेइज्जती महसूस हुई है कि औरतों के खिलाफ इस तरह के नाजेबा अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। अच्छा किसने और क्या नाजेबा अल्फाज यूज़ किए उनके लिए? उनके मतलब अच्छे अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल हुए ना, कि जो अदालत में जैसे जिस जगह पर उनके लिए वर्ड्स हुए। किसने गलत इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? हम उनके हक के लिए खड़े हैं, क्योंकि वो भी एक औरत है तो उनके लिए ये नाजेबा अल्फाज बोले गए हैं, तो हर एक औरत को इस चीज़ में एक बेइज्जती महसूस हुई है कि औरतों के खिलाफ इस तरह के नाजेबा अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। अच्छा किसने और क्या नाजेबा अल्फाज यूज़ किए उनके लिए? उनके मतलब अच्छे अल्फाज भी उनके लिए इस्तेमाल हुए ना, कि जो अदालत में जैसे जिस जगह पर उनके लिए वर्ड्स हुए। किसने गलत इस्तेमाल अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये किसके खिलाफ आप कर रहे हैं? अच्छा मिस मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आई हैं, क्यों आई हैं? जी हम मुख्तलिफ वर्कर्स नामंजूर, औरतों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज नामंजूर।